आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, अपरा क्या है, इसे अंतरस्रावी अंग के रूप में भूमिका का वर्णन करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपरा, तो जो अपरा है इसका निर्माण कैसे होता है हम यहाँ देखें तो क्या होता है, जो भ्रूण के जरायु अंकुरक हम इनको कहेंगे अंकुरक, और मादा के गर्भाशय उत्तक जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ के साथ क्या हो जाएंगे, अंतरा अंगुली युक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये, अंतरा अंगुली युक्त, ठीक है, अंतरा अंगुली युक्त हो जाएंगे ये हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगे, अंतरा अंगुली युक्त हो जाते हैं, ठीक है। अब हो जाते हैं तथा ये क्या करते हैं, संयुक्त रूप से परिवर्धनशील जो क्या होता है, भ्रूण को यानी कि संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण और हम कहें को नहीं और माता शरीर के साथ क्या बना लेंगे, ये यहाँ पर संरचनात्मक एवं क्या लिखें, एवं क्रियात्मक इकाई का क्या कर लेंगे यहाँ पर, गठन, ठीक है, गठन ये कर लेंगे, इसको वापस लिखते हैं गठन को, गठन यानी कि जो क्या होंगे यहाँ पर, जरायु अंकुरक होंगे और माता गर्भाशय उत्तक जो होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या बना लेंगे, अंतरांगुली युक्त हो जाते हैं और ये क्या बना लेते हैं यहाँ पर, संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण और माता शरीर के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का गठन यानी कि निर्माण कर लेते हैं। अब ये इसका अपरा का कार्य क्या है, ये क्या करता है, अपरा जो परिवर्धनशील भ्रूण है क्या होता है, भ्रूण होता है, भ्रूण को वापस लिखते हैं, जो क्या होता है परिवर्तनशील भ्रूण जो होता है, भ्रूण इसको क्या करता है, ये ऑक्सीजन व पोषण की आपूर्ति करता है, भ्रूण के लिए ऑक्सीजन व पोषण की क्या करेगा, आपूर्ति करेगा। इसके अलावा ये क्या करता है कि जो भ्रूण के उत्सर्जी क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ एवं जो CO2 होती है उसका क्या करता है, निष्कासन, ये अपरा द्वारा क्या होता है, इसका निष्कासन, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे प्रश्न में दिया गया है कि इसके अंतरस्रावी रूप की भूमिका का वर्णन करें, तो यहाँ पर इसका अंतरस्रावी भूमिका देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अंतःस्रावी भूमिका, ठीक है। तो ये जो अपरा होती है, अपरा वो अंतरस्रावी उत्तक के रूप में कार्य करती है, अंतःस्रावी
उत्तक के रूप में, उत्तक के रूप में क्या करती है, ये कार्य करती है अपरा। ठीक है, एवं हम देखते हैं कि जो अपरा होती है वो अनेक हार्मोन, अनेक हार्मोन भी क्या करती है, अनेक हार्मोन मानव, जैसे यहाँ पर देखते हैं अनेक हार्मोन स्रावित करती है, जैसे मानव मानव कोरियोनिक कोरियोनिक मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी कि HCG जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपरा द्वारा स्रावित होते हैं। एवं हम देखते हैं स्रावित, ठीक है, और एवं हम देखते हैं लैक्टोज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी क्या करता है, ये यहाँ देखते हैं लैक्टोज लैक्टोज एस्ट्रोजन एस्ट्रो जन एवं प्रोजेस्टेरोन का भी क्या करते हैं, ये अपरा द्वारा क्या होता है, श्रावण होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसके अंतरस्रावी जो अंग होते हैं उसकी क्या भूमिका है ये देखा, और अपरा क्या होती है ये भी समझा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।